सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश को पूरा करने में जुटी प्रशासन की टीम ने कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्री ऑफिस के पास स्थित अधिवक्ता चैंबरों पर कार्यवाही की। कार्यवाही शुरू होते ही अधिवक्ताओं ने प्रशासन की इस कार्यवाही का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन मन बना चुके अधिकारियों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही और इन्हीं के बीच में बाबा का बुलडोजर अधिवक्ताओं के चैंबर पर कहर ढाता गया। प्रशासन की इस कार्यवाही के दौरान सत्तासीन स्थानीय नेता भी शांत दिखे। सूत्रों के मुताबिक मौजूद लोगों ने अफसरों से जिले के बड़े नेताओं से बात करने की बात भी कही, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए उनके आदेश को पूरा करने में जुटे रहे और कार्यवाही जारी रही। इसी दौरान मौजूद टीम को अधिवक्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। विरोध को देखते हुए जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री रितेश कुमार मिश्रा एवं साथी अधिवक्ता पंकज को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। ये हमारे अधिवक्ता बंधुओं का रोजी रोटी से जुड़ा हुआ चैंबर, हमारे प्रशासन ने आज कसम खा ली थी उसको हटवाने के लिए। हम लोगों ने जब विरोध किया तो हम लोगों को बंद कर दिया है। हमें रितेश मिश्रा को और हमारे साथी पंकज यादव जी को बंद कर दिया है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष जी उनके साथ हैं और वो बताते हैं कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं, हम अधिवक्ता के साथ हैं, लेकिन उन्होंने साजिश करके ये अधिवक्ता के साथ साजिश करके हमारे अध्यक्ष जी ने प्रशासन के साथ उन्होंने कहा आप जाइए तोड़वाइए, मैं आपके साथ हूँ और ये आंदोलन चलता रहेगा और जिला प्रशासन के खिलाफ लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इनके खिलाफ और हमारे एसडीएम साहब जो है जब तक इनका सस्पेंशन नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। प्रशासन सिर्फ अधिवक्ताओं का देख रहा है। आप मछली मंडी रेलवे स्टेशन जाइए, नगर पालिका द्वारा पूरी दुकानें पक्की बनवा दी गई, गोप की तरफ जाइए मार्केट बन रहा है, कहीं बाराबंकी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और बिना पार्किंग के वो सिर्फ बता रहे हैं मैं चौड़ी रोड चौड़ीकरण करा रहा हूँ, लेकिन कहीं भी किसी अधिवक्ताओं का या समाज में नागरिकों को न कहीं पार्किंग की व्यवस्था दे रहे हैं, चाहे नाके हो धनोकर हो सारे जगह भीड़ का अतिक्रमण है, नई नई दुकानें बन रही वहां पर भी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये मोदी योगी को खुश करने के लिए एक अधिवक्ता का चैंबर गिरा के पूरा तानाशाह सिद्ध करते हुए दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा गुड वर्क किया है, लेकिन पूंजीपति का एक भी खाद या मार्केट गिलाने की इनकी क्षमता नहीं है भैया। और इसको मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ के बने हुए बड़े बड़े बिल्डिंगों को मैं गिरवाऊंगा, मैं योगी से मिलूंगा, उनकी तानाशाही प्रशासन मैं दिखाऊंगा। तमाम अधिवक्ता इस दौरान चैंबर से अपने जरूरत की आवश्यक वस्तुएं निकालते हुए नजर आए। वहीं प्रशासनिक अमला भी पूरे समय वहीं पर मौजूद रहा। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा भी पहुंचे। चैंबर जो बताया जा रहा है तो हमारे पास जो सूचना आई जब साहब का कल जो है सारे अधिवक्ताओं के नोटिसें आई कि आप 24 घंटे बता दीजिए। हमने सभी जितने प्रभावित अधिवक्ता सबको बुलवाया कि भैया ये आया है लेकर, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर चाहे तो कानूनी कार्रवाई करें, चाहे तो मिल बैठ के अपने आप हटा दीजिए। लेकिन उसमें हमारे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हटाएंगे नहीं, सुबह देखा जाएगा आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी है। तो हम लोग हमारे उपाध्यक्ष जी साथ में है, हमारी पूरी कार्यकारिणी साथ में है। देखिए जो गलत है उसका हम लोग कानूनी सहारा लेंगे। हमने राजन सहादा के चल के हाईकोर्ट चल करके इसका स्टे लिया जाए, लेकिन समिति नहीं बनी, मजबूरन नतीजा आप लोग देख रहे हैं। देखिए व्यक्ति विशेष से लड़ा जा सकता है, एक अधिकारी लड़ा जा सकता है, लेकिन कोई सरकार से लड़ा जाना मैं नहीं समझता हूँ अपनी होने के नाते। बाराबंकी बहुत से ऐसे अतिक्रमण है जो अभी हटाए नहीं गए हैं, नदियों पे भी लोग अतिक्रमण नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे उसके, अतिक्रमण हटेंगे। माननीय योगी जी का कहना है तो पूरे प्रदेश में हटेंगे, अगर बाराबंकी में एसडीएम के अगर बाहर इंक्रोचमेंट है तो वो भी हटेगा, वरना नरेंद्र वर्मा उसको हटाएंगे। अभी कहीं ना कहीं ये बार की जो बार शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आपस में विवाद हुआ था उसका कहीं ना कहीं प्रशासन फायदा उठा रहा है। शासन का निर्देश है, हमारे सारे अधिवक्ता पूरी कार्यकारिणी पूरा अधिवक्ता समाज का देश है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं। महामंत्री जी हमारे साथ हैं, कहीं विरोध दिखाते उन्होंने कहा कि हमारा देश से कोई विरोध नहीं, हम लोग एक दूसरे से मन मुटाव, ये हमारे परिवार का मामला है। यहाँ ज़्यादा बर्तन होंगे आवाज़ निश्चित आएगी, लेकिन हम लोग बर्तन आवाज़ आने से बाहर नहीं सकते। वही बाराबंकी में की गई इस कार्यवाही को लेकर अधिवक्ताओं में खासा रोष देखा गया। वहीं दुबी जुबान ही सही मगर तमाम अधिवक्ता यह कहते हुए नजर आए कि जिला बार में आई रार के कारण अधिवक्ताओं को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण के चलते कई बार नोटिस निर्गत किया जा चुका था, लेकिन चैंबर न हटाने की वजह से प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है जिस पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूर्व में भी कई बार नोटिसें दी गई थी और जिस पे अतिक्रमण था, और इसको पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा
अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। शहर का ये रास्ता काफ़ी सकरा हो गया था अतिक्रमण के कारण। आज ये अतिक्रमण हटने से सड़क की चौड़ाई भी बढ़ रही है और जो आम जनमानस है उसको इससे काफ़ी सुविधाएं।